हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज मैं सबसे पहले तो आपका मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना मेरे को प्यार दिया। आज मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है जो आपका इतना प्यार है मेरे चैनल को दिया आपने। और मेरे एक 1K जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब हो गए हैं। जब यूट्यूब पे 1K दिखता है तो बड़ा अच्छा फील आता है। तो जो मेरी जर्नी रही वो भी काफी, मैं 2 या 3 सालों से ही मैंने अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रे करूंगा कि उनके भी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। जब भी 100 होते हैं तो यूट्यूब कुछ और अप्रूवल दे देता है, या 500 होते हैं तो एक्साइटमेंट हमेशा बढ़ती चली जाती है। जब भी 500 से लेकर ये 900 जब भी सब्सक्राइबर होते हैं तो और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, कब हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और उसमें क्या, 1000 जब सब्सक्राइबर होते हैं तो यूट्यूब में क्या चेंज आ जाता है। तो मैं जब 1000 कंप्लीट हुए तो मैंने यू स्टूडियो देखा तो एकदम से मेरे को चेंज मिला मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भी आपको वो भी शेयर करूंगा कि क्या मेरे को जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे और जब उसके बाद सब्सक्राइबर हुए तो मेरे को यूट्यूब में क्या चेंज मिला, और आपके भी जब हो जाएंगे तो आपको क्या चेंज मिलेगा देखने के लिए, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना प्यार मेरे चैनल को दे रहे हैं। मैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार बना के रखें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे। और मैं आपके लिए भी दुआ जरूर मांगूंगा, जल्दी जल्दी आपके भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होना एक अपने आप में एक बड़ा खुशी का दिन होता है और एक्साइटमेंट भी होती है हर यूट्यूब के लिए। सबसे पहले आपको पता है मोनेटाइजेशन करने के लिए जो भी जरूरी होता है, सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉच आवर भी 4000 होना बहुत जरूरी है। और अगर शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं तो उनके लिए जो भी आपको पता ही है कितने मिलियन व्यूज के लिए चाहिए होते हैं। तो हर जो भी यूट्यूबर होता है वो एक जो उसकी दिल की तमन्ना होती है कि उसका जल्दी जल्दी मोनेटाइज चैनल हो जाए। मेरी यही गाइडलाइन, अगर आपके पास भी यूट्यूब चैनल है तो प्लीज आप उसमें थोड़ा सा चेंज जरूर लेके आए अपने चैनल में। आप एक ही तरह का इंसिडेंट वीडियो डालते रहोगे तो मैं भी लगता है मेरे को कि आपके जो भी सब्सक्राइबर है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो थोड़ा बोर भी होते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको सोचना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने इंडेंट को थोड़ा चेंज करो। कभी आप एनिमेशन वीडियो पे जाओ, जो भी आप जिसके लिए भी आप वीडियो बना रहे हो, कोई ब्लॉग बना रहा है ट्रैवलिंग का या कोई फूड के लिए रिलेटेड है या एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन चैनल में भी आप थोड़ा सा एनिमेशन वीडियो बनाओ। कभी आप लाइव इंसिडेंट पे भी बात करो, लाइव होके जो भी जैसे इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री है तो उसमें इक्विपमेंट हमेशा सेम ही रहते हैं, उनमें हमेशा सेम ही तरह की प्रॉब्लम आती है। मॉडल नंबर कैपेसिटी वो हमेशा चेंज हो सकती है, पर उसकी जो वर्किंग्स है, क्या आप उसको डे टू डे ऑपरेशन में आप क्या न्यू थोड़ लेके आते हो, आप अपना जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कंप्रेसर है, बॉयलर है या एचवैक सिस्टम है, आप उनकी रिलायबिलिटी के लिए क्या काम करो, क्या क्या इंप्रूवमेंट, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहिए, जिससे आपके सब्सक्राइबर जो भी आपके चैनल को वीडियो देख रहे हैं उनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।